हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज का वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो नीट 2024 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं और वो शुरुआती दौर में क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसकी भी हम बात करेंगे, और किस तरीके से स्टार्टिंग हमको करनी चाहिए और फिर आगे किस तरीके से सीक्वेंस हमको फॉलो करनी चाहिए चीज़ों की, उन सब चीज़ों की बात हम यहाँ पर करेंगे। दो तीन टिप्स हम यहाँ पर देंगे और लगातार इस तरह की जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते रहते हैं उनको हम इकट्ठा करके आपको बताते रहते हैं कि हाँ, इस तरह के बच्चों को इस तरह की समस्याएँ भी आ रही होंगी, तो इन चीज़ों का क्या मतलब इलाज है, क्या निवारण है, क्या इन चीज़ किस तरह से इन समस्याओं से हम डील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं, एक दो टेस्ट देते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि आज तक तो मैं बढ़िया नंबर लाता था, आज तक तो मेरे 90% अबव आते थे, अब यहाँ तो पहले ही टेस्ट में मेरे 30, 40, 50, 60, 70% इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या करूँ। वो डिप्रेस ना हो, ठीक है, ये जेन्युइन चीज़ है, ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि आज तक हम चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते आए हैं और अब थोड़ा नज़रिया हमको बदलना पड़ेगा, हमारे दिमाग को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिलेबस तो वही है हमारे पास मोर ऑफ लेस, पर हमको थोड़ा सा सोचने की जो ताकत है हमारी वो बढ़ानी पड़ेगी। अब ऐसा तो यहाँ होगा नहीं कि आप एनसीईआरटी का एक पन्ना रटकर पहले की तरह चले जाएंगे और वहाँ पर कुछ भी लिखकर आप आ जाएंगे। अगर आपका आधा अधूरा आंसर भी सही है तो कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला, या तो पूरे नंबर मिलेंगे या फिर अगर गलत सलत इधर उधर कर दिया, तुक्का मार दिया, ठीक है, तो एक नंबर और काट लिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो आप देख रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी हार्ड हो गई है हमारे लिए और पूरे में से पूरे नंबर लाना यहाँ पर रेयर केस हो गया है। ऐसा नहीं है कि असंभव है, असंभव तो दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है, असंभव नहीं है, ऐसा हुआ है, कई लोगों ने इतिहास भी लिखा है, पूरे में से पूरे नंबर भी नीट में आए हैं, ठीक है। तो पर ऐसा नहीं कि आप पूरे से पूरे नंबर नहीं ला रहे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करें, और शुरुआत में ऐसी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी आदत 90% अबाव की हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है शुरुआत में तो नहीं होगा, ठीक है। तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ ऐसा हुआ है, सब जोश में आते हैं कि मैं तो काफ़ी इंटेलिजेंट था, मैं तो फर्स्ट आता था हमारी क्लास में, यहाँ तो मैं पता नहीं लास्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे 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 चीज़ें यहाँ पर बढ़ेंगी। और वहाँ पर दूसरा डिफरेंस ये है कि एक तो ये डिफरेंस आ गया कि टेस्ट वहाँ पर अलग तरीके से होते थे, यहाँ अलग तरीके से हो रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा हार्ड हो गया है गेम। और दूसरा तरीका है, मतलब दूसरा जो डिफरेंस वो ये है कि वहाँ चीज़ें थोड़ी थ्योरेटिकली होती थी जो हमको डायरेक्टली वैसी की वैसी लिख के आनी होती थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ जो है बताई जाएगी, उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में आपको सोचना होगा। सिलेबस तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि मोर और लेस वही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर उस चीज़ के बारे में थोड़ा विस्तार से सोचना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, थोड़ा डेप्थ में भी जाना होगा। और चीज़ें न्यूमेरिकली ज़्यादा है, यानी कि कैलकुलेशंस भी यहाँ पर आएंगी, जिसमें हमारी बहुत सारी, जैसे मैथ्स से तो हम आज तक डरते आए हैं, उसी से तो थोड़ा अलग रास्ता हमने बायोलॉजी का लिया है, पर ऐसा नहीं है कि भाई फिजिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेसिक मैथ्स का ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। तो जो दूसरी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, अब एनसीईआरटी फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ उसी सीक्वेंस से हम जा रहे हैं, तो उसमें तो मैथ्स है नहीं, ठीक है, उसमें पीछे कहीं दी हुई है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको बता दिया, पर उससे काम चलता नहीं, वो हमें उतनी समझ में आती नहीं है। तो आप बेसिक मैथमेटिक्स पहले एक बार क्लियर कर लें, और ये कोई बहुत बड़ी मैथ्स, बहुत भारी मैथ्स ऐसे नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगी, आराम से इजीली आपको समझ में आ जाएगी। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है मैथ्स के कि हाई फाई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन, नॉर्मल से इंटीग्रेशन, और बाकी जो नॉर्मल से आपके पास जो है वेक्टर की कैलकुलेशन, ये जो है बेसिक मैथ्स, जो एक्स्ट्रा मैथ्स हैं जो टेंथ से हमने पढ़ी है, उसके बाद टेंथ के बाद की जो थोड़ी सी मैथ्स है, 11th 12th में जो मैथ्स वाले पढ़ते हैं, वो थोड़ी सी मैथ्स हमको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैथ्स आप सीख लें, इनके लेक्चर्स आप कहीं से देख लें, खासकर वो बच्चे जो यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चैप्टर से स्टार्ट करें। बेसिक मैथ्स हमारी एकदम बढ़िया होनी ज़रूरी है और कैलकुलेशंस एकदम बढ़िया होनी ज़रूरी है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा आप कि आप समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, समय आपके पास बहुत है, आप घर पर बैठकर समय बचाने की ना सोचें, आप जितना हो सके कैलकुलेशंस अपनी अच्छी करें, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी होगी तो हमारा समय पेपर में बचेगा, घर पर नहीं बचाना है समय, घर पर तो लगाओ जितना लगा सकते हो आप समय, दो कैलकुलेशंस को, फास्ट कैलकुलेशंस करने की कोशिश करो जितनी फास्ट आप कर सकते हो, ठीक है, दिमाग में ही कैलकुलेशंस करें, पेपर पर उतनी कैलकुलेशंस ना लिखनी पड़े ये भी सोचें। और ऐसा नहीं है जैसा मैं कह रहा हूँ कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हमसे पूछी ही नहीं जाएगी, क्योंकि एक घंटे में 50 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमसे कैलकुलेट ही करवाता रहेगा, जोड़ बाकी कराता रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है,
ठीक है, तो हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर फास्ट हो जाएगी, थोड़ी सी बेसिक मैथ्स हमारी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आगे जो फिजिक्स है हमारी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि नींव है, अगर नींव बढ़िया होती तो आप जानते हैं बिल्डिंग भी बढ़िया उसी तरह से मजबूत बनती है। तो ये मान लें कि बेसिक मैथमेटिक्स हमारी ज़रूरी है। पहली बात हमारी हो गई कि यहाँ से जो दिक्कत आ रही है पहले टेस्ट के बाद, उसकी चिंता नहीं करनी है। मार्क्स आपके बढ़ेंगे धीरे धीरे जब आप सिस्टम को समझ जाएंगे और आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे, तो नंबर भी बढ़ेंगे और आप जितना प्रैक्टिस कर सकें उतने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितनी जितना पढ़ सकते हैं घर पे उतना पढ़ें, ठीक है, जितने हाथ आप पढ़ाई में दे सकते हैं उतना दें, प्रैक्टिस करें, बार बार लिख लिख कर फॉर्मूला सारे याद करें, तो नंबर अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अलीबाबा का खजाना है, खुल जा सिम सिम बोलोगे और खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पाथ है जो हमें ट्रेवल करना ही पड़ेगा, तभी हमें मंजिल मिलेगी। तो लगातार हमें चलते रहना है उसी लगन उसी मेहनत के साथ, ठीक है, तब चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ जो बच्चे फेस कर देंगे, सर अब एनसीईआरटी तो हमारे पास है, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये बातें भी हमें जाननी जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं कहूँगा कि 11th की एनसीईआरटी हमारे उस सिक्वेंस से नहीं है जिसमें हम उसको एकदम सही से समझ सकें। 12th के एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं है, 12th के एनसीईआरटी में जिस तरह से चैप्टर्स हैं सिक्वेंस में हैं आप उनको समझ सकते हैं, पर 11th के एनसीईआरटी में खासकर मैकेनिक्स जो मैंने देखी है वो आगे पीछे है, उसको सिक्वेंस से समझ पाना उतना मतलब हमारे लिए सरल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो चैप्टर सिक्वेंस आपको बताई है, वीडियो भी बनाया हुआ है, वो चैप्टर सिक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं खासकर मैकेनिक्स के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में मैकेनिक्स ही थोड़ी आगे पीछे लिखी हुई है। ठीक है, और उतनी आपको समझ में नहीं आएगी, जबकि मैकेनिक्स के क्वेश्चन तो बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स ऑब्वियस बात है 11th का बहुत बड़ा और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो सीक्वेंस आप फॉलो करें बजाय एनसीईआरटी पढ़ने के। मैं पढ़ना सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं सोल्ड एग्जांपल हैं, उसमें जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं वो सब फॉर्मूला जो लिखे हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उनको आप नोट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, और खासकर जब जैसा मैंने कहा कि बैक एक्सरसाइज में जो पॉइंट्स टू पॉन्डर हैं उनको आप एक बार देख सकते हैं, और जो बैक एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं, और सोल्ड एग्जाम्पल, ये जो चीज़ें हैं आप ट्राई कर सकते हैं 11th की एनसीईआरटी से। 12th की एनसीईआरटी तो ऑब्वियस बात है हमें पूरी पढ़नी ही है, क्योंकि आगे चलकर 12th का जब एग्जाम देंगे तो उसमें तो काम आएगी। 12th की एनसीईआरटी हमें सही से पढ़नी है, एक बार सारे चैप्टर्स की रीडिंग लगानी है। 11th की पढ़ने को उतना सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर हमें जो सोल्ड उसमें जो सोल्ड एग्जांपल हैं और जो बैक एक्सरसाइज हैं वो करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा 11th की एनसीईआरटी से। और 11th के जो चैप्टर सीक्वेंस हैं वो आपको एक वीडियो बनाकर बताए हुए हैं, वो सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये सब बातें थी, और भी कुछ इस तरह की बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे कि क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं, पर शुरुआत में ये समस्याएँ हमको फेस करनी पड़ती हैं, इनका आप ध्यान रखें। और आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस तरह की समस्याओं से अगर आप भी जूझ रहे हैं और जानना चाहते हैं उसका उपाय, तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।